अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं अपनी बागीचा का सफाई सुथराई करवा रही हूँ, कर भी रही हूँ, जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सीम का पौधा था तो उसे मैं सब सारा को कटवा ली हूँ, जड़ छोड़कर बाकी सारा को मैं कटवा दी हूँ। इसमें भूला भी हो गई थी इसलिए और मैं इसे हटा दे रही हूँ। इधर देखिए, मिर्च का पौधा है, बैंगन का पौधा है, बैंगन में भी कीड़ा लग गई है। ये भी सूखने लगी है पौधा। देखिए, इधर डाट बनवा रही हूँ, कुछ रोपना होगा तो बेल वाली सब्जी इसके ऊपर चढ़ा दूंगी। इसको अच्छे से बनवा ले रही हूँ। इधर भी एक बांस है, उसको भी बांधवा रही हूँ। देखिए, ये हमारा करेला भी बहुत हुई है तो मैं तोड़ ले रही हूँ इसे भी। इस बार हमारा करेला बहुत अच्छी हुई है। एक हफ्ता पहले भी मैं तोड़ी थी करेला बहुत सारा, और अभी फिर हुई है तो मैं तोड़ ले रही हूँ। अभी तुरई अभी नहीं हो रही है, एक दो हुई है। करेला ही अच्छी खासी हुई है जिसे मैं तोड़वा रही हूँ। एक इधर तुरई है, एक ही है थोड़ी बड़ी, उसे मैं तोड़ ले रही हूँ। बाकी छोटी छोटी है, उसे छोड़ दी हूँ। देखिए, इधर एडेनियम का पौधा है, इसमें देखिए बीज निकल रही है इस पौधे में। ये फूल भी हो रही है और बाकी में अभी नहीं हुई है फूल। बाकी देखिए, इधर गुल्लर का पौधा है, इसमें भी बहुत अच्छी खासी फूल हो रही है। इधर बैगन बुलिया को सेट कर दी हूँ। इधर चंपा का है, इधर केला को भी इधर रखवा दी हूँ। सब सही से सेटिंग कर साफ़ सुथरा कर दी हूँ अपनी बागीचा को। देखिए, ये हल्दी है, इधर खाली हो गई है, इसमें कुछ रोपना होगा तो रोपूंगी। ठंड की सब्जी कुछ रोपना होगा तो रोपूंगी। देखिए, उस तरफ अपने आप अमरूद का पौधा निकली है। ये देखिए, हमारा करेला इतनी हार्वेस्टिंग हुई है, एक ही तुरई हुई है। देखिए, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।